अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीनियस। आई एम ओएस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 10 का न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। यूनिट नंबर 11 आपके पास है, साउंड। तो इससे पहले हम यूनिट नंबर 10 को कम्प्लीटली देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने उसके तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया था। यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज के, उसके तमाम न्यूमेरिकल्स को, उसके एमसीक्यूज को और उसकी जितनी भी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस थे उनको भी हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर की प्लेलिस्ट की तमाम वीडियोस मौजूद है। प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस लेक्चर, उस चैप्टर के तमाम लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 11 साउंड है। तो आज हम देखेंगे कि साउंड क्या होता है और आपके पास साउंड वेव क्या है और प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है, कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि साउंड वेव की नेचर क्या है और उसके साथ हम एक बेल जार एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम साउंड को देखते हैं कि साउंड क्या है। देखिए, साउंड जब भी हम प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड आपका वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। और हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि जो वेव है वो एक एनर्जी है जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक क्या करती है, ट्रांसफर होती है या ट्रेवल करती है। तो जब साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और जो साउंड आपका वेव की फॉर्म में होता है और वेव आपकी एनर्जी है, तो बिल्कुल साउंड भी आपकी एक क्या है, एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी की एक फॉर्म है। अब देखते हैं कि साउंड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, क्योंकि ये एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और वेव भी आपके पास एनर्जी है। रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इस वजह से साउंड रिलेट करता है वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी आपका साउंड प्रोड्यूस होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जो साउंड की वेव प्रोड्यूस हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। जो साउंड वेव होती है वो आपके पास मैकेनिकल वेव होती है। किस तरीके से, वो हम आगे एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूव करेंगे। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, के एक साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है या किसी भी साउंड को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, और साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें ऐसी कौन सी चीज की जरूरत है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेस प्लेस इन अ मीडियम, कि जो मीडियम है अगर उनकी बॉडी आपस में वाइब्रेट करेगी तो जब ही साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हमें साउंड को प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें दो वाइब्रेटिंग बॉडी की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास दो वाइब्रेटिंग बॉडी ना हो तो हम साउंड को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब भी किसी भी किस्म का साउंड आपने प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए दो वाइब्रेटिंग बॉडी लाजमी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास स्टिक है और एक आपके पास ड्रम है। एक वाइब्रेटिंग बॉडी आपके पास वो स्टिक हो गई और एक बॉडी आपके पास वो ड्रम है। जब तक आप उस स्टिक को वाइब्रेट नहीं करेंगे उस ड्रम के साथ, जब तक आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब आपने वो स्टिक को हिट किया या वाइब्रेट किया उस ड्रम के साथ, तो आपका साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इससे हमें क्या पता चला कि साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए दो वाइब्रेटिंग बॉडी हो, वाइब्रेटिंग बॉडी का होना लाजमी है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी ना हो तो साउंड प्रोड्यूस आप नहीं कर सकते। इसके साथ अगर एक स्टिक है, अगर मैं उस स्टिक को किसी दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी पे हिट किए बगैर इसी तरह करता हूं तो देखिए साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है ही नहीं, तो उसके साथ जब ये टकराएगा नहीं स्टिक, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ये बोर्ड है, एक बॉडी ये मार्कर है, अगर मैं इसके साथ इस तरह हिट करता हूं तो क्या है कि दो बॉडी आपस में वाइब्रेट हो रही है और उस नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड। तो हमें क्या पता चला कि साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए दो वाइब्रेटिंग बॉडी का होना लाजमी है या दो वाइब्रेटिंग मीडियम का होना लाजमी है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास हेडिंग क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव होती है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को कंप्लीट यूनिट नंबर 10 के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। तो यहां मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि जो साउंड वेव्स की नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। फॉर एग्जाम्पल कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो इस तरह मूव करते हुए ट्रेवल करता है, इस तरह ट्रेवल करता है। अब देखें जो वेव है उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और जो मीडियम के पार्टिकल हैं उसकी डायरेक्शन भी क्या है, इस तरफ है। तो जहां पर वेव की डायरेक्शन और उसके जो पार्टिकल हैं उसकी डायरेक्शन सेम हो तो वो पैरेलल कहलाती हैं। तो इस तरह वेव जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर उसके पार्टिकल भी मूव करते हैं तो वो वेव की नेचर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो आपके पास साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है अभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो बीच में मीडियम क्या है, एयर है। तो मीडियम हम क्या यहां पर लेंगे, एयर मॉलिक्यूल लेंगे। कह रहा है कि जो जो वेव के पार्टिकल हैं वो क्या है, उसकी डायरेक्शन पैरेलल टू वेव मोशन, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर उसके वेव के पार्टिकल भी मूव करते हैं तो ऐसी वेव की नेचर क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इससे हमें पता चल गया कि साउंड की नेचर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव की दो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। और ट्रांसवर्स वेव्स की हमने देखी थी क्रस्ट और ट्रफ, वो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए यूज होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कोई भी हो, स्प्रिंग वेव जिसे प्रोड्यूस होती है, स्प्रिंग वेव भी आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की दो प्रॉपर्टी होती है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। अब देखते हैं कंप्रेशन क्या है। देखिए कंप्रेस का मतलब होता है आपस में करीब करीब, जहां पर भी मीडियम के पार्टिकल आपस में करीब हैं तो वो जगह क्या कहलाती है, कंप्रेशन। और जहां पर मीडियम के पार्टिकल आपस में दूर दूर हैं वो जगह क्या कहलाती है, या वो रीजन क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन। देखिए यहां कंप्रेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर। देखिए अगर मैं साउंड इस तरह प्रोड्यूस कर रहा हूं तो फिलहाल जो है मेरे बीच में साउंड क्या, एयर है। तो वहां पर जहां पर मीडियम हमारे पास एयर है तो एयर के पार्टिकल या एयर के मॉलिक्यूल जहां करीब करीब होंगे तो वो हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। तो इस डायग्राम के अंदर देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों हिस्से में पार्टिकल आपस में करीब करीब हैं। जब पार्टिकल करीब होंगे तो एयर का प्रेशर वहां क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा है वही जगह क्या कहलाती है, आपकी कंप्रेशन कहलाती है। ये लिखा हुआ है कि रीजन वो जगह वेयर एयर प्रेशर स्लाइटली हायर, जहां पर एयर का प्रेशर आम जो है प्रेशर के मुकाबले में ज्यादा हो वो जगह आपकी क्या कहलाती है, कंप्रेशन। अब रेयरफैक्शन की बात करते हैं कि रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर। देखें यहां पर एयर के पार्टिकल आपस में दूर दूर है तो मतलब यहां प्रेशर कम है, यहां भी एयर के पार्टिकल आपस में दूर दूर है तो यहां भी आपके पास क्या है, पार्टिकल दूर दूर है। तो ऐसी जगह जहां पर एयर का प्रेशर कम हो, प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल में फासला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेव की वो वाली रीजन या वो वाली साइड क्या कहलाती है, रेयरफैक्शन कहलाती है। तो ये हमारे पास साउंड जो है, सिंपल आपने देखना है कि साउंड क्या है और साउंड प्रोड्यूस किस तरीके से होता है। साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की नेचर रखता है और मैकेनिकल वेव की भी नेचर रखता है। अब देखिए मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव जिसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत हो। तो देखिए आपका साउंड सॉलिड में भी मूव कर सकता है, अगर देखें ये सॉलिड है इसके साथ जब टकरा रहा है कोई दूसरी वाइब्रेटिंग बॉडी तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आपका जो साउंड है वो सॉलिड में भी प्रोड्यूस हो सकता है
लिक्विड के अंदर भी आप जो है साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और गैसेस के अंदर भी साउंड को आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखें एयर है सारी, वहां पर गैसेस मौजूद है और मैं बात कर रहा हूं तो साउंड क्या हो रहा है, एयर के अंदर गैसेस के अंदर साउंड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हमें यह पता चला कि किसी भी मीडियम में सॉलिड लिक्विड या गैस के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमें यह पता चला कि साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए मीडियम की जरूरत है, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, के मीडियम के बगैर साउंड आपका ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ऐसी वेव जो मीडियम में मूव करे वो वेव्स क्या कहलाती हैं, मैकेनिकल वेव्स। अब इसको हमने प्रूफ करना है कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स है या नहीं, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है और हमें उस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलेगा कि साउंड वेव जो है आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या होता है। और इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट इस वजह से किया जाता है ताकि हमें यह पता चले कि जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स का आपको पता है कि वो वेव जिसको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी कंप्लीटली समझते हैं कि किस तरीके से किया जाता है और इसके अंदर कौन कौन से जो है अपरेटस को यूज किया जाता है। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक तो आपको ग्लास की जो जार है वो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको, और उसके साथ आपको एक इलेक्ट्रिक बेल की जरूरत पड़ेगी, जो आपने इलेक्ट्रिक बेल उस जार के अंदर हैंग करनी है या लटकानी है। और एक आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि जब आप इलेक्ट्रिक बेल लगाओगे ताकि वो वाइब जो है बेल आपके पास बजे और हम उसके साउंड को सुन सकें। और एक आपके पास वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ेगी, वैक्यूम पंप इस वजह से यूज होता है ताकि उस जो जार है, ग्लास का जो जार है उसके अंदर जितनी भी एयर है उसे हम निकाल लें। तो अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पर मैंने स्टेप वाइज तमाम जो है इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप अपने पास बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से भी नोट कर सकते हो। मैंने सिंपलीफाई करके बेल जार एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉइंट सामने लिख दिए हैं। अच्छा, तो देखिए पॉइंट वन में क्या लिखा हुआ है कि टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, के आपने एक इलेक्ट्रिक बेल ले ली एयर टाइट, जो आपके पास क्या है एयर टाइट ग्लास बेल। एक तो आपने इलेक्ट्रिक बेल ली, दूसरा आपने एक जो है बेल जार ले लिया ग्लास का, जिसके जो एयर टाइट है, जिसके अंदर एयर मौजूद है। तो एक बार ब्राइटनेस में देख लेता हूं, ब्राइटनेस आपके पास बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि एक तो आपने इलेक्ट्रिक बेल ले ली, दूसरे नंबर पे आपने एयर टाइट ग्लास ले लिया जिसके अंदर जो है एयर क्या है मौजूद है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द सस्पेंडेड Then suspended the electric bell inside the jar, के अब आपने क्या किया, उस जो जार था उसके अंदर इलेक्ट्रिक बेल को सस्पेंड कर दिया, मतलब लटका दिया, हैंग कर दिया। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एंड कनेक्ट वैक्यूम पंप, और आपने उस जो बेल जार था उसके एंड पर वैक्यूम पंप को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ताकि वैक्यूम पंप का ये काम होता है कि उसके अंदर जितनी भी एयर मौजूद है उस गिलास के अंदर वो उसे क्या कर ले, निकाल ले। अच्छा, अब देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बेल, कि जब आपने उस इलेक्ट्रिक बेल को यहां से स्टार्ट किया। देखिए, एक आपने इलेक्ट्रिक बेल को लटका दिया जार के अंदर और अभी तक आपने इलेक्ट्रिक बेल को स्टार्ट नहीं किया था। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक बेल को स्टार्ट किया, यू कैन हेयर द साउंड ऑफ बेल, तो आप जो है उस बेल का साउंड सुन सकते हैं, उस बेल जो इलेक्ट्रिक बेल लगी हुई है उसका साउंड आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि देखिए जार के अंदर जो है एयर के पार्टिकल मौजूद है, एयर टाइट है, मीडियम मौजूद है, तो जब मीडियम मौजूद है तो साउंड आपका क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, और आप उस साउंड को जो है सुन सकते हो।
अब चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप। अब आपने वो जो एयर मौजूद थी वैक्यूम पंप को आपने स्टार्ट कर दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा, एयर जो है उसको आस्ता आस्ता पंप्ड आउट करना शुरू कर देगा। द एयर इज ग्रेजुअली पंप्ड आउट। जब आपने वैक्यूम पंप स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली स्लो स्लो वो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके पास एयर मौजूद है वो निकलना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। द साउंड बिकम फैन। जो साउंड अब सुनाई देगा वो फैन साउंड सुनाई देगा, स्लो आपको सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि पहले एयर टाइट ग्लास था, एयर मौजूद थी तो साउंड आपको ज्यादा सुनाई दे रहा था। अब आपने क्या किया कि जैसे ही आपने वैक्यूम पंप के जरिए एयर को निकालना स्टार्ट किया, वो हवा आस्ता आस्ता कम हुई, मीडियम कम। लेकिन जब भी यहां पर जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो मीडियम क्या है, एयर है, तो एयर को ही हम पंप आउट कर रहे हैं, मतलब मीडियम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो जैसे ही एयर के मीडियम को हमने कम करना स्टार्ट किया तो आपका साउंड स्लो होना स्टार्ट हो गया, फैन होना स्टार्ट हो गया। आगे पांचवे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अ व्हाइल यू विल हेयर द फैंटेस्ट साउंड। कि कुछ देर के बाद जब एयर ज्यादा निकल जाएगी तो आपको साउंड और कम सुनाई देगा, क्योंकि पहले जो है पार्टिकल मौजूद थे तो साउंड आपको सही सुनाई दे रहा था। जब आपने वैक्यूम पंप के जरिए एयर को निकालना स्टार्ट किया तो जैसे ही आपने वैक्यूम पंप के जरिए एयर को निकाला तो आपके पास जो है साउंड फैंटेस्ट हो गया, कम हो गया, कम आपको सुनाई दे रहा है। अच्छा, अब देखिए छठे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन एयर इज कंप्लीटली पंप्ड आउट। जब वैक्यूम पंप के जरिए आप जो है उस एयर को कंप्लीटली पंप्ड आउट कर देंगे, कंप्लीटली जो है उस एयर को आप निकाल देंगे तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिक बेल स्टिल प्रोड्यूसेस साउंड। के अब जब आपने देखे कंप्लीट एयर को निकाल दिया, अब भी जो है इलेक्ट्रिक बेल साउंड को अंदर प्रोड्यूस कर रही है, बट वी कैन नॉट हेयर दिस, कि हम इस साउंड को अब नहीं सुन सकते, क्योंकि जितनी भी एयर मौजूद थी, जितने भी एयर के पार्टिकल थे या मीडियम जो एयर है उसके जो पार्टिकल थे वो तमाम आपने वैक्यूम पंप के जरिए पंप आउट कर दिए। तो जब मीडियम निकल गया, पार्टिकल निकल गए, तो बेल जो है स्टिल साउंड को प्रोड्यूस कर रही है लेकिन आप नहीं सुन सकते, क्योंकि उसके अंदर अब मीडियम जो है या फिर एयर जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने वैक्यूम पंप के जरिए तमाम एयर को जो है निकाल दिया है, तमाम जो बेल जार के अंदर एयर के पार्टिकल मौजूद थे उसे आपने पंप आउट कर दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स है, मतलब अगर आपके पास वैक्यूम हो तो साउंड आपका ट्रेवल नहीं कर सकता, या विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। अगर जो है मीडियम ना हो तो साउंड आपका प्रोड्यूस नहीं हो सकता। साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए मीडियम की जरूरत लाजमी है। तो इससे हमें यह पता चल गया कि जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अच्छा, अब देखें इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए एक बात का आपने ये ख्याल रखना है कि ये आपके पास देखें ग्लास है और ये एक इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल जो है वो ग्लास के साथ नहीं टकरानी चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बेल इस तरह हैंग करते हुए ग्लास के साथ टकराएगी तो वहां पर एक अलग साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अभी ग्लास है, यहां पर मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज हो जाता है तो साउंड जो है वो एक्सपेरिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हमने इस इलेक्ट्रिक बेल को जार के अंदर हैंग किया तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल है वो इस ग्लास के साथ नहीं टकरानी चाहिए, वो बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद हो। तो ये आपके पास बेल जार एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले हमने साउंड के बारे में देखा, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप सेम टू सेम इसी पॉइंट को, इसी इन पॉइंट्स को भी याद कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है वहां पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आने वाले इस तरह के तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।